ओ जय श्री कृष्ण फूफा जी, कैसे हो? बहुत नाराज है तुमसे। क्या हुआ, क्या किया मैंने? तुम ही बताओ क्या किया तुमने। नहीं, बताओ ना, क्या किया मैंने? ऐसे तो कुछ नहीं किया। अच्छा हाँ अच्छा बहुत नहीं, होशियार क्या? हो गई। नहीं, बताओ तो नहीं, क्या हुआ? हम बाहर जाके पूछेंगे सबसे। घर की बातें हमको सब बाहर से पता पड़ेंगी। नहीं, फूफा जी, ऐसे क्या बोल रहे हो आप? क्या नाराज क्या हो गए, बताओ ना क्या हुआ? क्या क्या चल क्या रहा है। कुछ नहीं चल रहा फूफा जी, ऐसे ही बस बिजी चल रहा है। कभी सुबह अच्छा ऑफिस में काम अच्छा कर। अभी बुआ जी सुन के आई है वहां से। ये क्या सिग्नल नगर शिफ्ट हो रहा है तुम। अरे फूफा जी, क्या नहीं, हाँ मतलब, हाँ फूफा जी शिफ्ट हो रहे हैं, पर अभी ऐसे एकदम, मतलब पीछे ना एक, मतलब एक दो दिनों में एकदम से ही बात बनी, तो एकदम से ही ऐसे हुआ। फिर मम्मी ने बोला कि दिन छिपने वाले हैं, कोई मुहूर्त नहीं होगा, तो अभी जाके मतलब एक लोटा रखाओ, कलश रखाओ। तो हमने बस अभी उतना ही किया, मतलब कि अभी बस आप मानिएगा नहीं, मतलब पिछले 24-48 घंटों की बात। ऐसे कोई आपसे क्या, आप तो घर की बात हो भूपा जी, क्या आप भी ऐसे, सच्ची में ऐसे कुछ नहीं। तुमने कलश भी रख दिया और हमको खबर भी नहीं, और तू बात ऐसी बना रही जैसे छोटी सी बात है। पता अरे है नहीं कलश भूपा रखना जी, कितना, इस घर में कलश रखा था तो कितने से 150 लोगों को बुलाया था। हाँ तो वो करेंगे ना फूफा जी, अभी बस ऐसा था कि अभी कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद कोई त्योहार, शिवरात्रि का त्योहार आएगा, क्योंकि ऐसा था कि पहले घर में कुछ होली नहीं मनाते हैं और ये सब बड़े मम्मी के, ऐसा आपको पता है ना मम्मी का क्या चलता रहता है, कि ऐसे इस वक्त नहीं करना, 3 बजे करना है, 4 बजे नहीं करना, 5 बजे करना है। उस लेकिन चक्कर इतनी में मैंने क्या तो बस, इतनी क्या जल्दी थी, तो इतनी बातें बना रही है, इतना क्या हो गया था। मतलब तो तू बता, अरे हमसे नजदीक और कौन है। मंदिर में क्यों सुन रही है तुम्हारी बुआ। अरे नहीं, वो तो मम्मी ने किसी को बोल दिया होगा ऐसे करके, ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं थी फूफा जी। अब जब शिफ्ट होगा, सारा सामान वहां जाएंगे, तो उस घर में सबसे पहले जो भी बनेगा, खीर बनेगी, वो बस आपको ही पहले खिलाएंगे, लेकिन पक्का प्रॉमिस। सिग्नल नगर में LIG के फ्लैट बने हैं या HIG छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम लोग। अरे क्या फूफा जी, यहाँ कहने को HIG, पर यहाँ पर ना एकदम, मतलब कोई भी प्राइवेसी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, क्या मतलब पता, हम यहाँ भी तो HIG में, हमने सबने साथ में, सब हमारे तुम्हारे पापा ने, हमने सब साथ में मिलकर डिसीजन लिया था। सब HIG में रहेंगे, पड़ोस पड़ोस में रहेंगे, एक दूसरे के बुढ़ापे में काम आएंगे। मेरे को तो खबर दी बुआ ने, तो मेरे तो खून नहीं रहा, काटो तो खून नहीं रहा। नहीं, भूपा जी पता क्या, वो पड़ोसी के साथ एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हें, हाँ, दूर दूर घर है, सब कुछ है, पर ये मतलब कहीं पर कोई भी प्राइवेसी का नाम नहीं है। अभी घर में मुंडन है, घर में थोड़ा झगड़ा हो, कहाँ ऊपर नीचे आवाज हो जाए, सोसाइटी में सबको पता चल जाता है। वो हमारी सोसाइटी का वो सेक्रेटरी है जकरबग करके, उसके पेट में बात पचती तक नहीं है, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, मतलब 2 मिनट के लिए ना घर में मतलब शांति नहीं है। हर वक्त लगता है कि कोई हमको सुन रहा है, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब तुम ये यंग लोगों का अच्छा है, प्राइवेसी प्राइवेसी। हमारे ऐसे, मैं तो ऐसा रहता था भाई, ऐसे सेक्रेटरी की बहुत जरूरत पड़ती थी ताकि वो एक दूसरे की बता दे, सबका एक दूसरे की तरफ ध्यान रहे, किसी के घर में चोरा चोरी हो जाए तो सब एक नजर में रहता था। वो अच्छी बात है भूपा जी, पर ये घर की बात घर में रहनी चाहिए। हमारी ननद किसके साथ घूमती है, किसके लिए उसका रिश्ता आता है, क्या होता है, ये सब बातें हमको बाहर नहीं निकालनी, अब हाँ अपने घर तो की। उसको वो जकरबर्ग को ये भी खबरें कि क्या पहनती है और क्या किस तरह हाँ, से। क्या पहनती, आज लाल पहना, कल नीला पहना, कल वो कैफे कॉफी डे में जाते होंगे यंग लोग, वहां जाके बैठी हो, किसके साथ कौन सा सैंडविच खाया, सब खबर ऊपर से नीचे। फिर उसको क्या वो, लेना देना। अरे पता नहीं, वो अब कैफे कॉफी डे जाएगी तो अगली बार वो उसको बोलेगा, अरे आप वहां जाती है, आप जाके स्टारबक्स जाके ट्राई करो, वहां की कॉफी ज्यादा अच्छी है, तो उसको फिर क्या वो वहां स्टारबक्स जाएगी, चार चार रुपए और खर्चेगी। उसको क्या स्टारबक्स से पैसे मिलते हैं सेक्रेटरी को। अब मिलते हैं, हमने सुना ऐसे ऐसे ही पैसे कमाते हैं वो, इधर बोलते हैं अरे वहां पिज्जा की एड भेजो या स्टारबक्स की एड भेजो, वहां वो है, ऐसे सब सबको पैम्फलेट बांटता रहता है वो, तो उसका यही काम है बस। तो एसोसिएशन के चुनाव में उसको ही तो, हमने ही तो जितवाया था, तो हम हरवा देंगे उसको अगली बार। अरे ऐसे नहीं पुप्पा जी, ऐसे नहीं होता है, अब हम बहुत परेशान हो गए, बहुत कोशिश कर ली, सब लोग, सबको बहुत पसंद है, सब लोगों तुम को मेरे ही। को बताओ, यहाँ पे हमने उस समय के जमाने में 7-7 लाख रुपए में प्लॉट लिए थे और ये सब घर बनवाए थे। अब तुम वैसे रातों रात कोई सचिव के कारण तुम शिफ्ट हो जाओगी। अरे फूफा जी, वहां पर इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो प्लॉट का साइज बड़ा है, ठीक है, ऊपर से शहर LIG में प्लॉट का साइज बड़ा है। अरे सस्ता है ना, वहां कोई जाना ही नहीं चाहता, तो वहां पर मतलब एकदम खुल्लम है, पोल्यूशन नहीं है, एकदम ताजी हवा में घूमो, और कोई ऐसे, कोई तुम्हारी ना बात सुनता है, ना बात इधर की उधर करता है, और इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, आप देखिएगा, फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट, हाँ समझिए, सिर्फ 2 साल की बात है, और वो आपको लगेगा कि अरे
ये तो और भी अच्छा शहर बन गया, सब हो जाएगा वहां पर, क्या सुपरमार्केट हो, थिएटर हो, सिनेमा, सब कुछ एकदम आने वाला है। 2 साल अभी टाइम है फूफा जी, मतलब ये ही बेस्ट टाइम है। अभी आपको लग रहा है कि सस्ता है, LIG है, दूर है, यहाँ कितनी कैसे दूर कर। है सिग्नल, सिग्नल कॉलोनी कितनी दूर है वो, अरे फूफा जी ऑटो ये, वाला भी नहीं ले जाता है, वो ऑटो वाला मना कर देता है। अरे तो अब सब सब लोग वहां पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑटो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अब सब फैमिली मेंबर वहां आसपास रहेंगे, तो फिर क्या ऑटो करना, वहीं पर अपने घर का संगीत, किटी पार्टी, ये वो सब एक ही जगह पर, क्या यहाँ पे जरूरत। तुम्हारे दादाजी नाना जी सबके मकान थे, तीन तीन पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे थे ये HIG में, वो वहां पे कहाँ ऐसे क्या 1-2 साल में, तुम यंग लोगों को तुमको लगता कि कल की बात है, आसानी बात है, तुमने तो अपना कार उठाई और चले गए, हमको कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में। क्या फूफा जी, आप तो हमारी जनरेशन के हो, आप तो समझते हो सारी बात की। देखो 3 पीढ़ी से रह रहे, बात मानते हैं, पर अब आगे भी तो बढ़ना है ना जिंदगी में, मतलब अगली पीढ़ी के लिए। अगली 3 पीढ़ी वहां रहेगी, फिर उसके अगली 3 वाली, पता नहीं, क्या पता अमेरिका चली जाए, अपनी किस्मत क्या पता ना। फिर तो आगे बढ़ना है, मतलब सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए मतलब ना। मैं तो भगवान की दया से सब मोबाइल हूँ, सब कुछ अच्छा हूँ, मैं फास्ट चल लेता हूँ। अब हमारे साले साहब का देखो, उनको घुटने में प्रॉब्लम होती है, और हमारे दूसरे जो बैंक के जितने तुम्हारे सब अंकल वगैरह हैं, सबको तो कितनी कितनी, किसी को इस हार्ट की समस्या, किसी को फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हॉस्पिटल, मंदिर, मंदिर जाना सबको रहता है, सब पास में पड़ते हैं, और सिग्नल कॉलोनी में एक भी मंदिर नहीं है। वही तो मैं बोल रही हूँ पापा जी, 2 साल रुको, सब आ जाएगा वहां पर, मंदिर भी होगा, ये पिज्जा हट भी होगा, स्टारबक्स सब मिलेगा वहां मेरे पे। को तो बात पच नहीं रही है, इतने सालों से इतना, हम दोनों मकान साथ में बने थे हमारे, तो हाँ छत डली, पहली छत डली, बराबर 3 टाइम पानी देने जाता था, तुम्हारे पापा नहीं जा पाते थे तो मैं जाता था, बैंक से जाते समय स्कूटर रोका और 15 मिनट खड़ी करके फिर मैं जाता था, कितनी मेहनत से बनवाया था, तुम तो ऐसे ही रातों रात छोड़ के जा रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं, अब ये रखेंगे थोड़ी देर घर ऐसे फूफा जी, ऐसा नहीं है, पुरानी रिश्तेदारी थोड़ी थोड़ी जाती है, ऐसे रिश्ते नाते हैं, पड़ोसी हैं तो एकदम। दो घर रखोगे? अभी थोड़े टाइम के लिए 2 घर रखेंगे फूफा जी, अभी वहां धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, अभी देखेंगे वहां का माहौल। अभी तो समझिए ना कि हम लोग एकदम पांव रख दिया है वहां पर, तो अभी वहां थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आसपास जितने पड़ोसी जन हैं और आप लोग हैं, ऐसे रिश्तेदारी तो है, और मतलब दोस्त जो है वो फैमिली से कम नहीं है, उन सबके साथ लेके धीरे धीरे कोशिश करेंगे कुछ और लोग हमारे साथ जाए, तो फिर समझिए वहां पर और भी अच्छा, और भी माहौल बनेगा, और भी माहौल जमेगा, कितना बढ़िया रहेगा। तो सिग्नल नगर में क्यों तुमने रातों थोड़े तुम राय ले लेते हो, ओपिनियन ले लेते हो, हमारे तो हमारे सब बैंक वाले बता रहे थे, हमारी रिटायरमेंट कम्युनिटी वो टेलीग्राम नगर में बहुत अच्छी कॉलोनी कटी है, वहां क्यों नहीं गए? हाँ टेलीग्राम का भी फूफा जी ऐसे सुना हमने, फिर हमने काफी ऐसे रिसर्च वगैरह किया, तो वही मैं आपको बोली ना, एक वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे, तो तो सिग्नल फॉरेन नगर में इन्वेस्टमेंट टेलीग्राम में नहीं, सिग्नल नगर में है। तो इसका मतलब कि ऐसे फॉरेन लोग के लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्कोप इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छी सोसाइटी बनेगी यहाँ पर। तो फॉरेन ऐसे इन्वेस्टमेंट मतलब कौन? वो एक टेस्ला करके गाड़ी है, एकदम वो गैस ही नहीं डलती उसमें, मतलब गैस नहीं डलती, मतलब कि जो जो बिजली इलेक्ट्रिक कार ना, वहां पता है ना, सब पता है। अच्छा हाँ, तो वही 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 गाड़ी एकदम है, तो वो उसका मालिक है, तो उसने बहुत पैसा डाला है इसमें। एलन, एलन मस्क, हाँ, एलन एलन मस्क, हाँ, उसने बड़ा पैसा डाला है। और एक कोई और भी है ऐसे, मतलब कोई अंडरग्राउंड रहता है, कोई स्नोडन करके कोई है, वो भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, अंडरग्राउंड मतलब मतलब ऐसे ज्यादा पब्लिक नहीं रहता वो, कोई उसकी जान को खतरा वगैरह है ऐसे सुनने में आया है, तो इसलिए वो दाऊद, दाऊद जैसा माफिया है? नहीं, अच्छे अच्छे टाइप का डॉन है, मतलब कि ऐसे हम गरीब लोगों की मदद करता है, सबको समझाता है कि ऐसे करो वैसे ना करो, ये करो, तो जो बड़े टाइप के ऐसे स्कैमर कौन हैं से, वो मतलब करते हैं। अरे ऐसे मतलब समझिए गरीब ना, लोगों की मदद प्राइवेसी से? पॉलिसी की बातें वो ध्यान में रखता है, मतलब अच्छी बात है, गवर्नमेंट के अंदर जो एकदम करप्शन है वो एकदम बाहर सबको बताता है, तो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है वो, तुम इसलिए क्या छुप ये छुप के रहता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी नए बच्चे, अब ये तुम्हारा, हमारा भी बेटा वो बोल रहा था क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, अब तुम ये प्राइवेसी क्या नए नए शब्द लाते रहते, हमारे तो भाई कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, हमने तो यहाँ पे हम खुश थे और तुम जबरदस्ती उठा के, अब पापा क्या बोल रहे हैं, पापा भी वहां पे सिग्नल में, वहां पे उनके लिए भी प्लॉट ले रहे हो तुम लोग? पापा जी को अभी कन्विंस कर रहे हैं, मेरे को लगता है ले लेंगे वो अगले 2-3 महीने में, तो ले लेंगे, अभी वो थोड़ा पैसे का जुगाड़ करना है, PF वगैरह उससे विड्रॉ करना पड़ेगा, तो हाँ तो देखते फिर हैं। अभी, अब ये रिटायरमेंट 5 साल हो गए हमारे, कितनी उम्र बची है जिंदगी की, अभी प्रोविडेंट फंड वो टूटवाओगे तुम, है अभी तुम
वहां पे गए कैसे? रात को जाते हो तो वहां पे सड़क वगैरह है, लाइट वगैरह डली हुई है ट्रेन हाँ, तो में? क्या है, एक सड़क बनी हुई है, ऐसे मेन सड़क बनी हुई है, उसकी ऐसे सोसाइटी बन रही है, तो यहाँ से बनने शुरू किए हैं प्लॉट, तो जहां बनते जा रहे हैं लोग खरीदते जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट हैं एकदम, तो हमें एकदम मनपसंद का पार्क के सामने वाला मिल गया, सोसाइटी के अंदर ही पार्क है। पार्क बन गया ओके कि पहले? ये आजकल ये कॉलोनी वाले बोल देते हैं भाई यहाँ पे पार्क बनेगा या मंदिर बनेगा, वो 10 10 20 20 साल तक कुछ भी नहीं होता, वो बारिश में वहां पे पूरा पानी भरा जाता है गड्ढों में और नहीं मच्छर नहीं भिन नहीं भिन करते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। नहीं 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 फूफा जी, लॉन मस्क वगैरह है ना, आप चिंता ना करिए ऐसे, ये सब तो छोटी बात है इनके लिए, क्या इनको लगेगा गड्ढा है, ये अपने पैसे से पार्क बनवा देंगे, आप चिंता ना करिए, कौन एकदम है? पार्क बना हुआ है, पार्क हमने सबसे पहले पार्क ही देखा था, पार्क बना हुआ है, उसके सामने कॉर्नर पे जो घर है वो हमारा है, फिर उसके पीछे एक पूल है, ऐसे स्विमिंग स्विमिंग पूल भी बनवा दिया, स्विमिंग पूल भी है। पूल भी है, वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे बच्चों को ऐसे पूल की क्लास पे स्विमिंग सिखाओ, कहीं लेके जाओ, करने जाओ, ये सब का झंझट नहीं है, वही सोसाइटी के अंदर ही स्विमिंग पूल है। ये अच्छा है, ये अच्छा। लेकिन तो फिर हाँ आने जाने का व्हीकल किसका करो? अभी ऑटो जाना चालक गए उधर की अपनी खुद की कन्वेंस रखना ऑटो पड़ेगी? अपने खुद का ही, ऐसे मैं तो अपनी काइनेटिक है वो लेके निकल लेती हूँ, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठंड के समय, फिर हवा के समय तो बहुत, फिर सब टोपे और ग्लव्स और वो मंकी कैप सब पहन हाँ के वो जाना तो पड़ता वैसे भी होगा। ऐसे धूप के चक्कर में हम ऐसे पूरा लपेट कर ऐसे ग्लव वगैरह पहन के चश्मा लगा के ऐसे ही निकलती हूँ मैं, अब तो तुम्हारी बस बुआ का तो थोड़ा, वैसे ही दम घुट जाता है उसमें, वैसे पूरे लपेट के। तो हाँ बुआ जी के लिए, वैसे कैसी बुआ बुआ जी जी को तो बहुत ही बढ़िया लगेगा नई सोसाइटी में, एकदम वहां पर थोड़े से फॉरेन के लोग भी रहेंगे ना, तो एकदम उनको अच्छा सा लगेगा मुझे लगता है। हाँ, वैसे ये यहाँ पे क्योंकि अभी है, सही में बताओ तो HIG में बहुत परेशानी है बुआ को। कोई भी मामा जी ऐसे घुस के आ गए, मंदिर जाते समय सब्जी खरीदते समय वो ही चढ़ के आ गए, कोई भी चढ़ के आ जाता है मंदिर के पुजारी, वो दान दक्षिणा दिवाली का दशहरे का। तो हम ऐसे सोच तो हम भी रहते कहीं देखने का, लेकिन हाँ दिल नहीं तो वहाँ मानता। एकदम ऐसे हाई सोसाइटी टाइप है फूफा जी, ऐसे कोई आपके घर भी आएगा ना, तो पहले जो चौकीदार बाहर गेट के पास बैठा रहता है वो अच्छा आपको फोन करके पूछेगा कि अच्छा आपसे मिलने ये आए हैं, अगर ये आपके गेस्ट हैं तो ये अंदर आने देंगे। सिग्नल कॉलोनी में पूरा हाँ एकदम बिल्कुल, मतलब चौकीदार बिठा प्राइवेट के पूरी पूरी सिक्योरिटी है। पूरी सिक्योरिटी, ऐसे मैसेज करके पूछते हैं कि आपके दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, आने देंगे, बातचीत करना चाहते हैं, तब तो हाँ बोलोगे तभी ऐसे एकदम आने देते हैं। तो मोबाइल का उधर सिग्नल कॉलोनी में मोबाइल का कनेक्शन अच्छा है क्या? क्योंकि यहाँ तो तो हमारे तो जाते अभी नहीं। एकदम सोसाइटी के जस्ट बाहर एयरटेल वालों ने एक बड़ा टावर लगाया है कि एकदम इस सोसाइटी में रहने वाले को किसी को भी सिग्नल की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो एयरटेल के तो रेट्स भी अच्छे हैं, तो हाँ कवरेज एकदम भी रेट अच्छा है, रेट्स भी अच्छे हैं। भी अच्छे, और कुछ ऐसी कोई स्कीम निकली थी कि अपने नंबर के साथ कुछ ऐसे 5 नंबर जुड़वा लो फैमिली फ्रेंड करके, तो तो मेरा आपस में नंबर, बातचीत फ्री। नहीं अच्छा, नहीं फूफा जी आप वो पीछे वाइन बोतल रखी है क्या? ऐसे मैंने कहीं तो ऐसे देखी थी इनके ऑफिस की किसी पार्टी में ऐसे कुछ ये वाइन वाइन पी रहे थे, आप तो पीते नहीं है। देखो ये तो बहुत ही लो अल्कोहल, इसको तो वाइन बोलते भी नहीं है। वाइन में जो जो वो अंग्रेजी शराब की दुकानों पे जो बिल्कुल मुंह में पियो तो बदबू ऐसी आए, और वो आए ऐसा थोड़ी है। ये तो बहुत अच्छा। जब वहाँ हमारा वहाँ पे डेपुटेशन पे हम गए थे ना शिकागो में, और वहाँ पे तो अच्छा वहाँ अच्छा पे आपके फॉरेन ट्रिप दोस्तों पे, ने, हाँ तो दोस्तों ने चखाई तो हमको अच्छी लगी। उसमें बिल्कुल जैसे जैसे भपके मारती है ना वो, बिल्कुल ताश खेलते समय और वो पीते हैं, और ऐसे बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा मामला। ऑरेंज जूस समझ लो, ग्रेप जूस समझ लो, बस अच्छा हेल्थ भी अच्छा अच्छी रहती है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि एक एक गिलास तो पीना चाहिए, और वो छोटी पतली डंडी वाले गिलास भी हम वहां से लेके आए थे फॉरेन ट्रिप से। अच्छा तो एक पीने के लिए ग्लास भी अलग रहता है इसके क्या? गिलास अलग रहते हैं, इसके गिलास अलग रहते हैं पतली डंडी वाले, उसका क्या है, उसका टेस्ट अलग आता है, उसका उसका घुमावदार भी रहता है। उसमें कभी किसी को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं, वो डालो ना ये जूस और उसका वाइन का जूस, तो उसमें वो स्मेल भी अच्छी आती है उसकी, ग्रेप की। ये अच्छा तो एकदम ही अलग अगली बार चीज है। हाँ आप ग्लास लाइएगा, अगली बार ना ये अंगूर लाएंगे ना, तो फिर मैं अंगूर का जूस निकाल के उसी में पिलाऊंगी इनको। हाँ हाँ अलग ही टेस्ट आएगा। अच्छा सेम चीज को तुम्हारे चाय वाले कप में डाल के देखो उसी ग्रेप जूस को, और इसके पतली डंडी वाले में देखो, हाँ 100% अलग टेस्ट, 100%। मतलब तुमको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही चीज पी रही हो। अब ये पता कमाल, नहीं क्या टेक्नोलॉजी लाते हैं फॉरेन वाले। अच्छा ये और तो बहुत बड़ी है। नाजुक है, महंगे भी बहुत हैं। वो बुआ जी के हाथ से एक गया तो उसमें वो टूट गया, वो बहुत अच्छा बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से रखना ये पड़ता बड़ी पते की बात बताई है आपने। है। और ये झुका के रखते हैं, ऐसे झुका के रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं अच्छा रखते, झुका के खाए
वो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी, वहीं से ढक्कन खोलो और ऐसे। अब उसमें ऐसा बताया कि इस एंगल पे रखो तो उसका स्वाद बेस्ट आता है। अच्छा इसीलिए देखो नहीं तो इसकी सीधी ऐसी होती दिख रही है ये देखो, अच्छा लेकिन हाँ उसको हाँ जान लो हाँ तुम कब आते हो यहाँ पे, कब कब यहाँ पे रहते हो, कब वहाँ HIG से, कब LIG जाते हो, कब क्या रहता है तुम्हारा? अभी तो ऐसे है ना फूफा जी, अभी तो धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, अभी तो फर्नीचर वगैरह सब यहीं पर है ज्यादातर, ऐसे दोस्त बंधु भी सारे आसपास ही हैं, तो ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा ऐसे दो तरफ का खर्चा हो रहा है देखो थोड़ा। ये दो दो तरफ के मन मत बनाओ, फिर अब जाना है, एक बार मन बना लिया तो जाओ। ये वो तुम्हारी बड़ी बुआ जी ने भी दो घर रखे थे, वो तो इधर चाय का सामान इधर, चाय का सामान उधर, वो छलनी ढूंढती रहती थी, अदरक ढूंढती रहती थी, पता पड़ा कि वहां उस घर में है, इस घर में। एक बार डिसाइड कर लिया ना, वो टाइम, वो बहुत सही कह रहे मेहनत हो। हो जाती है, कमर टूट जाती है, लेकिन एक हफ्ते दो हफ्ते में वहां से दो 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 तीन चार मजबूत लोगों को रखो, पूरा शिफ्ट करा देंगे तुम्हारा पूरा। नहीं सही बात है, क्योंकि आप किसी को ऐसे फोन करके बोलो कि हमारे घर जगराता है आ जाना, पता नहीं इस घर आए वो उस घर हाँ आए। फिर उनको सबको बताते रहो, और आधी बात सुनते हैं, आधी लोग बताते हैं अपनी वाइफ को, आधी लोग नहीं बताते हैं, किसका वो जबरदस्ती की समस्या है। एक नहीं बार मन सही बना अभी। लिया ना तुमने, तुमको विश्वास है ना कि वहाँ सिग्नल नगर में ही अच्छा है, वहां पे हाँ आबो हाँ हवा अच्छी है, एकदम एकदम, पर्यावरण अपने अच्छा घर है। की बात घर में रहेगी, सब लोग वहीं पर रहेंगे, एकदम शांति सुकून, कोई पैम्फलेट नहीं आएगा किसी चीज का, कभी डोमिनो का पैम्फलेट आ रहा है, कभी किताबों का, कभी बच्चे के सामान का। हम इतने दुखी हो गए, यहाँ पर हर तरफ एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट करते रहते ठीक है, अब हैं। तूने मन बनवा दिया। मैं फोन कर रहा था तेरे को, ये जूम कॉल करा तो मैं बहुत नाराज था, कि मैंने कहा ये क्या है, मंदिर में सुन रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, परिवार है ऐसे, हमने 30 40 साल के रिश्ते हैं, सब साथ में डिसाइड किया था कि HIG में रहेंगे, तुम चले गए टेलीग्राम नगर, सिग्नल नगर, नहीं कहाँ नहीं तुम भूपा बच्चों जी, को। ऐसे आप तो घर वाली बात है, अभी हम जस्ट देख रहे हैं, थोड़ा जांचेंगे परखेंगे, ठीक लग रहा है ऐसे, बस छुपाने वाली बात नहीं है, बस एक बार पक्का हो जाए सब अच्छा है बढ़िया है एकदम, तो फिर अपने पूरे परिवार को लेकर जाएंगे ना वहां पर, हम अकेले रहकर करेंगे भी क्या, परिवार है तो ही तो हम है फिर ऐसे। तो और हम भी क्या करेंगे, तुम चले तो देखो भाई, तुम यंग लोग रहते हो इधर, तो बस्ती रहती है, नहीं तो हाँ बाल भी अच्छे लग रहे हैं आपके एकदम, अच्छे लग रहे ना बाल। हाँ काफी अच्छे लग रहे हैं एकदम, मैं वही बोल रही हूँ आप फूफा जी तो कोई, मैं बोलूंगी किसी को आप फूफा जी है तो कोई मानेगा नहीं, एकदम यंग लगते हो आप। मतलब मैंने जब से अर्जुन रामपाल को देखा था ना ऐसे लंबे, तो मेरा भी ऐसा मन था कि कान ढके, कान ढके, और हाँ मेरे लहराते भी ना जैसे अमिताभ बच्चन के कान पे ढके हुए मेरे को बिल्कुल नहीं जमते थे, वो स्ट्रेट ऐसे रखते, ऐसे हाँ बंगाली लगता है। अभी मेरे क्या है कि हमेशा हमेशा आपने ये ऐसे रोलर, लहराते हुए हैं, तो सच्ची बिल्कुल अर्जुन रामपाल लगते हैं मेरे को। आप सच्ची बताओ, आपने रोलर तो नहीं लगाए थे? अरे रोलर, मेरे पास रोलर नहीं है, तो बुआ जी को भी रोलर नहीं, हमारे घर में तो रोलर ही नहीं है। अच्छा हाँ ये देख, एकदम नेचुरल ऐसे। अरे पूरे नेचुरली है, हमेशा से था ना, हाँ जब मैं वहां पे था कॉलेज में, और नई बैंक की नौकरी लगी थी, तो हमारे मेरे डेस्क के सामने ही वो सक्सेना जी बैठते थे, उनके हाँ शुरू से लंबे बाल थे, वो वहां पे उधर वो अच्छा दिल्ली बॉम्बे के थे, वो तो वो हाई सोसाइटी के, तो वो ऐसे बाल ऐसे लहराता था, वो ब्रिल क्रीम लगाता था, और ऐसा तब से ही था, और आज ये रिटायरमेंट में मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये LIG में जो दो कॉलोनी है, सिग्नल कॉलोनी, टेलीग्राम कॉलोनी, पक्का टेलीग्राम में नहीं जाना है, उसमें मैं देखू ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाऊ। नहीं नहीं फूफा जी, बहुत हमने सर्च वगैरह किया, हमने ऐसे देखा कि भाई टेस्ला का मालिक यहाँ पर ले रहा है, तो इसमें ऐसे सोचने वाली बात ही क्या है, तो हमने भी ऐसे ही थोड़ा बहुत देखा, फिर हमने कहा छोड़ो सिग्नल कॉलोनी बेस्ट है, ये और अभी बहुत हमको लग भी रहा है एकदम अच्छा मामला फिट हो रहा है, जम रहा है, थोड़ी जान पहचान के लोग है वहां पे, अच्छी फीलिंग आ रही है, अभी मुझे लग रहा है आप लोग आ जाओगे, थोड़े परिवार के और जन वहां आ जाएंगे, तो बस फिर वहां पर मामला एकदम सेट। चलो फिर मैं वो करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, मेरे को भी वो मैनेजर का उधर दूध वाला भी आ गया, चलो चलो हाँ फिर। ठीक हाँ तो मैं ओके, फोन जैसे भी लगाऊंगा होता है। दामाद जी को। हाँ हाँ उनसे आप बात कर लेना, देख लेना सारे सेटिंग वो करा देंगे एकदम, कोई टेंशन नहीं। चलिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं, नए घर में मिलेंगे। हाँ जय श्री कृष्ण।